गाजियाबाद के कोर्ट में करीब 4 बजे अफरा तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ कोर्ट परिसर में घुस आया। कहा जा रहा है कि करीब 3 से 4 लोगों पर उसने जानलेवा हमला करा, जिसमें कई लोगों को गहरी चोटें आई हैं। इसमें कई वकील और कई ऐसे लोग हैं जो अपना काम कराने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। गनीमत रही कि किसी की भी जान नहीं गई। सूत्रों के अनुसार वन विभाग व पुलिस को मौके पर ही सूचना दे दी गई थी। हैरत की बात यह है कि गाजियाबाद कोर्ट के आसपास का पूरा इलाका रिहायशी है, अब ऐसे में उसे इलाके में तेंदुआ कैसे पहुंचा? एक मोबाइल रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ गैलरी के बाहर बैठा हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें ज्यादातर वकील हैं। किसी के चेहरे से खून आ रहा है तो किसी के हाथों से खून बह रहा है। अभी तक मिली खबर के अनुसार सभी वकील और बाहर से आए हुए लोगों को कमरे में सुरक्षित बंद कर लिया गया है और पुलिस वन विभाग की टीम के साथ उस तेंदुए की तलाश कर रही है। यहां तक कि कोर्ट के गेट को भी बंद कर दिया गया है और बाहर भी पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ सभी कोर्ट परिसर में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग भी की जा रही है कि वह तेंदुआ किस रास्ते से कोर्ट परिसर में घुसा और वह इस वक्त कहां मौजूद है, इसका अनुमान लगाया जा सके।